हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीए सीएमए और सीएस के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार बता दूं, ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस से है, तो बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है कितना महीने साल या कब का है, बट ये सीए और सीएमए के लिए और सीएस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास जॉब नहीं है या जो अच्छे जॉब में नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए मैं बता दूं आप कहां से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके। तो इसके लिए ये मैंने अपने इंस्टीट्यूट ICMI.in के प्लेसमेंट सेल में जाके डाउनलोड किया हुआ है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ही आप सीए और सीएस के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और जो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी गई है उस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जहाँ के जिस रीजन के लिए अप्लाई करना है उसका नाम आपको अपने रिज्यूम में लिख के सबमिट करना है। आइए आपको लेटर दिखा देता हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आया हुआ है। उसके लिए हम यहाँ लेटर अटैच पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया पीडीएफ खुल जाएगा। तो ये है मिनिस्ट्री का लेटर जो आपको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अटेंड इंगेज यंग प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी टू असिस्ट इन प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो जितने भी हमारे केसेस या कंपनियों के हैं उसके लिए ये यंग प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी सारे केसेस को इजी तरीके से ख़त्म कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने इंस्टीट्यूट की मीटिंग ली थी, तीनों इंस्टीट्यूट को बुलाया गया था और वहाँ पे डिसीजन किए हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 80 यंग प्रोफेशनल चाहिए, जिसमें 41 चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड 39 कंपनी सेक्रेटरी। ये जो 41 है इसमें इन्होंने रेशियो नहीं बताया कितने कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे कितने चार्टर्ड, बट दोनों को मिला के 41 होंगे एंड 39 कंपनी सेक्रेटरी होंगे। उसके लिए इन्होंने पूरा ये बताया हुआ है, बट यहाँ पे उन्होंने 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और मिनिमम एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होगा वो फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद से काउंट किया जाएगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिनके पास हायर एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, और इसमें इन्होंने बताया कि एक पोस्ट के लिए 3 लोग को बुलाएगा, मीन्स 3:1 का रेशियो है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रेमुनरेशन बताया गया है कि कंसोलिडेटेड जो रेमुनरेशन होगी आपकी 40,000 पर मंथ होगी, और 1,000 का आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंटरव्यू अटेंड करने का आपको कोई कन्वेंस TADA लाइक नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको नोटिस पीरियड दिया जा सकता है 30 दिन का, या आप दे सकते हैं 30 दिन का अगर आपको जॉब छोड़नी है, उन्हें आपको निकालना है, किन वजहों से ये आपको निकाल सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, या आप काम सही नहीं है, तो वो आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड देके निकाल सकते हैं। लास्ट में यहाँ बताया गया कि आपको 10 अगस्त 2018 से पहले आपको ये सबमिट करना है अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, और वो फॉरवर्ड कर देंगे मिनिस्ट्री को, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और ऐसे सारे प्रोसेस किए जाएंगे। सो आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ICA ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ क्वेरी रेज किए थे रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, तो वो मैं आइए आपको दिखा देता हूँ क्या है। के लिए हम ये नोट में जाएंगे जहाँ एक्सप्लेनेशन लेटर अटैच्ड है। ये MCA ने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कि क्या है, कैसे हायरिंग प्रोसेस है, कहाँ पे कैसे होंगे। तो ये लेटर है, यहाँ पे क्यूरी एंड कमेंट्स है पूरे, आप देख सकते हैं इसको, आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेटर जो था पैरा 3 एंड 4 लेटर 11 जुलाई को भेजा गया था सारे, ये देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में काइंडली रिफर टू देयर लेटर रेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मीन्स ICS ने
कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ क्वेरी रेज की थी जिसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने रिप्लाई दिया था। तो ये सारे हैं इसमें और ये कॉपी दिया गया था। तो ऐसे आप इस बेरोज़गारी के ज़माने में काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और आप अच्छा सैलरी के साथ गेन कर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा। सो वीडियो देखने का धन्यवाद। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो सी ए सी एम ए और सी एस क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस गेन किए उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।